संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता, पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। नमस्कार मेरे अन्नदाता किसान मित्रों, मैं राजू राम राठौड़ जोधपुर राजस्थान से, आज आप सभी को मैं इस वीडियो में आयुर्वेदिक उत्पाद जो बहुत ही फायदेमंद है मानव जीवन की बीमारियों को ठीक करने में, इसका पाउडर बनाकर अलग अलग तरह की असाध्य बीमारियों में उपयोग लिया जाता रहा है, इस उत्पाद की बहुत ही उपयोगिता है। आज इस वीडियो में कभी ख़राब न होने वाला, भारत भूमि को सजीव प्राण देने वाला, खेत में असंख्य केंचुओं को पैदा करने वाला, जमीन का प्राकृतिक कार्बन उपलब्ध करवाने वाला ब्रह्मास्त्र वेस्ट डी कंपोजर, इसके साथ आयुर्वेदिक उत्पाद शतावरी घोल बनाने का एक तरीका बता रहा हूँ। तो इस तरह आप भी अपने फार्म पर अपने खेत में लगी फसलों को अतिरिक्त न्यूट्रेंट, मेडिसिनल न्यूट्रेंट दे सकते हैं, खासकर गेहूं, मक्का, बाजरा, धान जो अनाज से आहार होता हो उसमें। तो इस तरह आप 50 लीटर वेस्ट डी कंपोजर का एक बैरल लेकर उसमें शतावरी की जड़ों की कटिंग कुट्टी काट कर या इमाम दस्ते से चटनी जैसा कुचल कर 2 किलो मिश्रण तैयार करें और ढक्कन लगा कर रखें। यह घोल बरसों तक ख़राब नहीं होता। जिस तरह वेस्ट डी कंपोजर के बैक्टीरिया सभी तरह के कठोर पत्थरों की लीचिंग कर देते हैं, उसी तरह इस शतावरी की भी लीचिंग कर देते हैं। इससे आप यह शतावरी है, इसकी कुट्टी की गई है, इस तरह आप 2000 लीटर वेस्ट डी कंपोजर को 1 एकड़ की दर से इस घोल को 20 लीटर मिलाकर सिंचाई भी कर सकते हैं किसी भी फसल में। समय समय पर आप इसे डंडे से हिलाते रहें। ये घोल 10 दिन के बाद ही उपयोग करने योग्य हो जाता है। प्रति एकड़ स्प्रे पंप में आप 5 लीटर अतिरिक्त उत्पाद के साथ वेस्ट डी कंपोजर मिलाकर उपयोग करने से शतावरी के सारे गुणधर्म फसल के बीजों तक आ जाते हैं, जिसमें खाद्य अनाज की पौष्टिकता और अधिक हो जाती है। इस वीडियो में आपसे निवेदन कि रसायन छोड़कर आप सभी वेस्ट डी कंपोजर का उपयोग करें। आप सभी अन्नदाताओं के साथ हम सभी मित्र आपकी सेवा में तत्पर हैं। तुम मुझे खेत दो, मैं तुम्हें रसायन से मुक्ति दूंगा। मैं आपको दिखा देता हूं कि शतावरी क्या है। आप देख रहे हैं ये शतावरी, इसकी मैंने कुट्टी की है। इसको आप इमाम दस्ते में भी कूट सकते हैं, इसकी चटनी बना सकते हैं और उपयोग ले सकते हैं। यह एक बहुगुणीय आयुर्वेदिक औषधि मानी जा रही है और है भी। इसके सारे गुणधर्म वेस्ट डी कंपोजर के साथ, मैंने इसकी केवल कुट्टी की है काट के। इसको आप कलबत्ते से या फिर मिक्सी में बारीक ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं। अब इसको वेस्ट डी कंपोजर के बैरल में डाल देंगे। अब इसको वेस्ट डी कंपोजर के बैरल में हम डाल रहे हैं। 10 दिन के बाद इसकी लीचिंग हो जाएगी। फिर इस घोल को हम गेहूं की फसल में आने वाली जो भी खाद्य फसलें हम लगाएंगे उसके अंदर हम इसका उपयोग करेंगे। तो आप सभी अपने अनाज को अधिक पौष्टिकता, आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट शतावरी का उपयोग करके इस तरह आप अपने अनाज की, अपने खाद्य उत्पाद की पौष्टिकता बना सकते हैं। धन्यवाद साथियों। Here we go.